दर्शकों के साथ हम आपको बताएंगे कि रायबरेली के लोगों को क्या चाहिए, कौन सा नेता पसंद है और वो किसे लखनऊ भेजना चाहते हैं। जनाब आपका क्या नाम है? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, किसको लखनऊ भेजना चाहते हैं? अरे लखनऊ जो है वही का भेजा जाए, लेकिन सरकार उनकी भी ठीक है, उनके तो शासन ठीक है, लेकिन उनके जो करने वाले उनका शासन नहीं ठीक है। किसका शासन? योगी जी का। योगी जी का शासन ठीक नहीं है? शासन ठीक है, लेकिन उनके जो करने वाले हैं, उनके अधिकारी, हाँ, उनका शासन नहीं ठीक है, उनकी तरफ से आतंक है। मतलब आप योगी जी को पसंद करते हैं लेकिन उनके अधिकारियों को पसंद नहीं करते हैं? एकदम क्लियर बात है। तो किसको भेजेंगे लखनऊ? भेजेंगे योगी जी को ही, लेकिन उनके जो कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी ये नहीं सही है। वोट डालते हैं? डालते हैं। क्या नाम है आप? शहजी खान। किसको वोट देंगे और कहाँ किसको लखनऊ भेजेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस तो रायबरेली में बहुत मजबूत रही है, तो आपको लगता है कि अभी भी मजबूत रहेगी? तो बेशक में मजबूत रहेगी, रायबरेली की पहचान है, रायबरेली से पहचाना जाता है। कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री भी तय नहीं है, लेकिन वोट मैं कांग्रेस ही को दूंगा। आपका क्या नाम है? सन्ना शर्मा। किसको लखनऊ ले जा रही है? बीजेपी। बीजेपी को? मेरी जेठानी बहुत अध्यक्ष है उसमें की। अच्छा जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा की बार जीतेगी? जी। तो कौन सी पार्टी पसंद है? हमारे तो कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस में कौन पसंद? राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग। तो अब की बार लखनऊ किसको भेज रही है? अब ये तो भगवान के हाथ में कौन जाएगा, ये तो आपका वोट तय करेगा ना। चलिए पापा जिसको बता रहे हैं वही चले जाएंगे। पापा कब तक आपकी उंगली पकड़े रहेंगे? पापा, आपकी शादी हो गई है, छोड़िए पापा का हाथ, खुद खड़ी होइए अपने पैरों पर, बताइए। चलिए प्रमोद तिवारी देखते हैं। प्रमोद तिवारी देखिए कितनी जागरूक हैं ये प्रमोद तिवारी कांग्रेस से। आप पापा हैं, आप बताइए जरा। महंगाई देख रहे हैं, 200 रुपया किलो कभी कड़वा तेल खरीदे हैं, 1000 रुपया सिलेंडर, मजदूर आदमी कहाँ से लेके आएगा? कांग्रेस के पीरियड में इतना तो था ही नहीं। हाँ भले ही वो लेट लपेट मिलता था, लेकिन 300-400-500 रुपया हद से हद, अब इतनी टाइम 1000 रुपया सिलेंडर है। महंगाई से परेशान है सभी। कड़वा तेल 200 रुपया किलो, कभी सुने थे बाबा वगैरह बोलते 200 रुपया कभी नहीं हुआ था। इसी तरह है। तो क्या करेंगे अब की बार? देखा जाएगा, फिर कोई नया नेता चुना जाए। योगी जी अच्छे नहीं लग रहे क्या? योगी जी ठीक हैं, लेकिन बाकी तो ये महंगाई तो खा जा रही ना।